सर करियर बर्बाद हो गया सर, हम पैर पड़ते हैं सर, करियर बर्बाद हो जाएगा सर, करियर बर्बाद हो जाएगा। ये शराब का कारोबारी सन्नी है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने जब फतुहा के एक बंद पड़े गोदाम से इसको पकड़ा तो ये पुलिस के सामने हाथ पांव जोड़ने लगा कि इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसको अपने कैरियर की चिंता शराब बेचते समय क्यों नहीं हुई कि यह शराब बंद बिहार में लोगों तक शराब का कारोबार करता रहा। पटना के फतुहा में एक बंद पड़े फैक्ट्री के गोदाम से अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ यह भी पकड़ा गया था। इसका नाम सन्नी है, पर पकड़े जाने के बाद इसने अपने कैरियर को लेकर नाटक शुरू किया, पर पुलिस ने इसकी एक ना सुनी। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के नालंदा फैक्ट्री के एक बंद पड़े गोदाम से लाखों के शराब के साथ यह भी धराया था। इस गोदाम से 490 कार्टून शराब बरामद किए गए हैं। दरअसल विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष रोजाना शराब के मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार शराबबंदी को लेकर राज्य में शराब सप्लाई करने वाले दूसरों राज्यों के शराब तस्करों को पकड़ रही, बावजूद इसके शराब के तस्कर शराबबंदी को फेल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। शराब के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने अंजाम दिया है। पटना के फतुहा में उत्पाद विभाग और पटना पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त किशोर कुमार साह के नेतृत्व में फतुहा के इंडस्ट्रियल एरिया में नालंदा फैक्ट्री के बंद गोदाम पर जब अधिकारियों की टीम ने दबिश दी तो वहां से 490 कार्टून अर्थात 4,350 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। मौके से सन्नी नामक इस धंधेबाज को भी पकड़ा गया है। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शराब धंधेबाजों के खिलाफ डीएम के निर्देश पर पिछले दो दिनों से पटना में छापेमारी अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार की रात उत्पाद विभाग की टीम ने फतुहा के नालंदा फैक्ट्री के बंद पड़े गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान गोदाम के अंदर से 490 कार्टून शराब जब्त की गई। बरामद शराब महंगे ब्रांड की है। मौके से पकड़े गए सन्नी कुमार नामक धंधेबाज से पूरे सिंडिकेट की जानकारी जुटाने के लिए टीम पूछताछ करने में जुटी है। आज गुप्त सूचना के आधार पर फतुहा इंडस्ट्रियल बेल्ट में एक बंद और पुरानी यानी बंद पड़ी गोदाम में गोदाम है या फैक्ट्री है सर? ये फैक्ट्री या गोदाम, अभी तो गोदाम टाइप में लग रहा है जो बंद पड़ा हुआ है। अब क्या था इसका पूरा तहकीकात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को सीमेंट भी रखा हुआ है और उसी के बीच में विदेशी शराब रखी हुई मिली। तो हम लोगों ने छापामारी में यहाँ पर जो जब्त किया है टोटल हमको मिला है 490 कार्टून, उसमें से 47 है 750 ml का 47 कार्टून और 377 ml का 276 कार्टून और 180 ml का 167 कार्टून यहाँ से रिकवरी की गई है। सभी शराब जो है वो हरियाणा में निर्मित भी है और हरियाणा में बेचे जाने के लिए था। कम मूल्य माना जाए तो कितना मूल्य का? ये टोटल लीटर हो गया हम लोग का जितना शराब अभी पकड़ाया है वो है 4,349 लीटर। ये मूल्य अगर जो बाजार मूल्य 30 लाख इसका बाजार मूल्य तो एक अंदाजतन रखा जा सकता है। हाँ लगभग 30 लाख के आसपास 30 लाख। तो क्या लगता है सर ये इंडस्ट्री एरिया में अलग से फोर्स भी तैनात है फिर भी इतने भारी मात्रा में शराब? चूँकि ये बंद पड़ी हुई थी इसमें गुप्त सूचना हमको मिली और हम लोगों ने छापामारी किया है और मिला है, इसकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। और गिरफ्तारी सर? गिरफ्तारी में एक आदमी को यहाँ पर संदेह की अवस्था में पकड़ा गया है और इसे अभी जाँच हम लोग कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और पूरा ब्यौरा आ जाएगा इंक्वायरी के बाद हम इस पर स्पष्ट कर देंगे। अभी तत्काल हम लोगों को इतना भी मिला है और इसमें हम सारे सामान को सीज कर रहे हैं। लगभग 15,000 सीमेंट की बोरियां हैं और
जगह पशु आज पशु आहार भी है कुछ बोरिया रखी हुई हम लोग जब्त करें। बहरहाल बड़े पैमाने पर पकड़े गए तस्करी की शराब के पीछे बड़े रैकेट होने से इनकार नहीं किया जा सकता। शराब के इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के बारे में उत्पाद विभाग की टीम सब कुछ जानने का प्रयास कर रही है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के बाद उत्पाद विभाग की टीम रैकेट में शामिल बड़े धंधेबाज के नाम का खुलासा कर सकती है। वहीं पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर शराब धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इससे पहले बाईपास थाने के पास मुर्गीदाना गोदाम से उत्पाद विभाग की टीम ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की थी। बहरहाल इस जब्ती के बाद इतना तो तय है कि शराब के कारोबारियों का इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और उनका धंधा चौपट होगा, तभी वो शराब बेचने से अपने को रोक सकेंगे। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।